इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ हटकर मौजू है। फिलहाल कुछ ही दिन पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया। इसी के मद्देनजर यह एक रिपोर्ट हमने बनाई है कि हकीकत और सच्चाई इसके दरम्यान में या अमिताभ की दास्तान को हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मुफाद हासिल करना होता है। वह कामयाब होते हैं तो किसी के कंधों को सीढ़ी बनाकर बुलंदी पर फाइज होते हैं, पर ये वो लोग होते हैं जिनमें इंसानों को इस्तेमाल करने का हुनर होता है। किसी का एहसान नहीं जानते, ना इन्हें वक्त निकल जाने के बाद एहसान याद रहता है, और यही लोग एहसान फरामोश कहलाते हैं। इन्हीं में एक नाम है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। जितना इनका नाम बड़ा है, कद बड़ा है, उतना ही इनका किरदार, इनकी नियत छोटी है। आपको यह सुनकर बहुत ताज्जुब होगा, जिसे हम छोटे पर्दे बड़े पर्दे पर बड़े ही अदब व महानता के साथ पेश किया जाता है कि एक्टिंग करता है, दरअसल कितना बड़ा झूठा झूठ है। वैसे तो बुढ़ापे की हालत में वो पहुंचा है, पर उसे अब हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया। छोटे बड़े इश्तिहार में आज भी अमिताभ नजर आता है। इसका मतलब कि किस कदर इसके अंदर पैसों की हिरस हो सकती है, इसका अंदाजा ही कर सकते हैं। इसका मिजाज शुरुआत से ही ऐसा रहा कि अगर अपनी जरूरत है तो बार बार सलाम भी करेगा और अपना मतलब भी निकाल लेगा, और जब वह अपना काम निकल जाएगा तो पहचानेगा भी नहीं। यानी मतलब परस्ती की अगर इंतहा कहा जाए तो कम नहीं होगा। हाल ही में फिल्मी दुनिया के कालिया यानी शोले में कालिया का किरदार निभाने वाले विजू खोटे का निधन हुआ, तो हमेशा ट्विटर और सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाला महानायक दो अल्फाज भी विजू खोटे की मौत पर कह ना सका। अमिताभ बच्चन की अपनी तारीख रही है कि अपने मुफाद को हासिल करने के लिए के अब्बास से लेकर महमूद और यहाँ तक के सियासतदान अमर सिंह तक को लोगों का किस तरह से इस्तेमाल करता रहा दोस्ती के आड़ में, अपना फायदा सिर्फ अमिताभ ही उठा सकता है। हाल ही में कहानीकार लेखक सलीम जावेद ने एक इंटरव्यू में जो सलमान खान के वालिद हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में कहते हुए कहा कि जब अब अमिताभ महानायक बन गया होगा, लेकिन इसे उस मकाम तक पहुंचाने में खुद सलीम खान ने कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए बता सकता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जंजीर में जो किरदार अमिताभ ने निभाया है, दरअसल धर्मेंद्र को पहले ही दिया गया था, जिसके बदले 15,000 रुपये भी अदा किए गए थे, पर सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ के बारे में कहा और इसमें रोल दिलाया। शोले में भी सलीम खान ने के कहने पर ही वीरू का किरदार अमिताभ को हासिल हुआ। वो दौर था जब अमिताभ को मनहूस कहा जाता था, क्योंकि सात हिंदुस्तानी के बाद तकरीबन 8 फिल्में अमिताभ की फ्लॉप हो चुकी थी और कोई भी निर्माता अमिताभ को लेने के लिए गुरेज करता था, पर सलीम जावेद ने अमिताभ के अंदर की काबिलियत को पहचाना था, इसीलिए हर जगह पर जाकर फिल्म डायरेक्टर्स को अमिताभ को लेने के बारे में जोर जबरदस्ती भी किया करते थे और फिल्मों में रोल दिलाया करते थे। अमिताभ भी चापलूसी की तरह सलीम खान के आगे पीछे हुआ करते थे, पर कामयाबी की बुलंदियों को छूने के बाद एहसान फरामोश अमिताभ कभी भी इनका जिक्र करने से गुरेज करता रहा। इसी तरह कादर खान ने भी अमिताभ की बेइंतहा मदद की, पर कादर खान से भी इसने सुपरस्टार बनने के बाद कथा ताल्लुक की फरमाई। फिल्म अदाकार डायरेक्टर महमूद के साथ भी यही कहानी अमिताभ ने दोहराई। शुरुआती दौर में महमूद कामयाबी की बुलंदी पर था, कोई भी फिल्म महमूद के बगैर न बन सकती थी। महमूद ने कई फिल्मों का निर्माण किया है, लिहाजा अमिताभ को भी महमूद ने बॉम्बे टू गोवा में लिया और फिल्म हिट भी हुई। फिर वह दौर आया कि महमूद की हालत खस्ता थी और अमिताभ महानायक बन गया था। दौलत और कामयाबी की घमंडी ने महमूद की तरफ देखना भी फरामोश अमिताभ को गवारा नहीं लगा। जितने भी लोगों से अमिताभ ने दोस्ती की, अपना फायदा निकलते ही उन्हें भूल जाना, यही इसकी फितरत रही है। मिस वर्ल्ड के मुकाबले भारत में अमिताभ ने रखे, जिसमें बड़ा घाटा हुआ। अमिताभ की कंपनी ABCL भी डूब गई। ऐसे वक्त में अमर सिंह ने इसे करोड़ों की मदद फरमाई और अमिताभ को बचाया, पर यहाँ भी अमिताभ ने गद्दारी किया और अपना काम निकलते ही दोस्ती को खत्म कर दिया। पर्दे पर जो किरदार अमिताभ निभाता है, इसका असली किरदार कुछ अलग ही है। जब अमिताभ के पास करोड़ों रुपए थे, तब भी इसने किसी गरीब की ना मदद की और ना किसी के वो काम आया। हमेशा वो मदद करने से, किसी की भी मदद करने से दूर रहता है, यहाँ तक कि वो अपने भाई अजिताभ की तक मदद नहीं करता। यह महानायक पैसों के लिए कोई भी इश्तिहार कर लेता है। खुद धर्मेंद्र ने कहा कि इश्तिहार के ऑफर्स तो कई सारे
उन्हें भी आते हैं पर पैसों के लिए तेल मालिक जैसे इश्तेहार करना मुझे पसंद नहीं। खैर अमिताभ बच्चन के बारे में यही कहा जा सकता है कि रील और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। इसके अभिनय पर कोई शक नहीं, पर झूठे चेहरे के पीछे एक और सच्चा चेहरा होता है और वह चेहरा ही इंसान की असली पहचान होता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।